हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे रोबोट्स कैसे बनते हैं, हाउ मेड आर रोबोट्स। रोबोट को बनाने के लिए अलग अलग रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है, जो रोबोट के काम करने के उद्देश्य पे डिपेंड करता है। ये कुछ आम कंपोनेंट और मटेरियल्स होते हैं जिसे कंप्लीटली एक रोबोट को तैयार किया जाता है। इसे 8 पॉइंट में क्लियर करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल मटेरियल्स, स्टील, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम जैसे मेटल्स रोबोट के बॉडी पार्ट को तैयार करने के लिए यूज किया जाता है, तथा लाइटवेट और ड्यूरेबल प्लास्टिक भी रोबोट के बॉडी पार्ट में यूज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है एक्चुएटर्स और मोटर्स, रोबोट के मोमेंट्स और जॉइंट्स को कंट्रोल करने के लिए डीसी मोटर्स, स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज किया जाता है। कुछ रोबोट्स में हेवी ड्यूटी एप्लीकेशन के लिए हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स का यूज किया जाता है। कुछ रोबोट्स में एयर प्रेशर के कंट्रोल के लिए न्यूमेटिक सिस्टम का यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये रोबोट के कंट्रोल सिस्टम के प्रोग्रामिंग के लिए माइक्रो कंट्रोल्स और प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। कैमराज, लिडार, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर जैसे सेंसर का यूज आसपास के एनवायरनमेंट को समझने में हेल्प करता है। बैटरीज या पावर सप्लाई सर्किट्स एंड रोबोट को एनर्जी प्रदान करता है। फोर्थ पॉइंट है पावर सप्लाई, रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरीज आमतौर पर पोर्टेबल और मोबाइल रोबोट्स के लिए यूज किया जाता है। वहीं पावर एडाप्टर का यूज जैसे कुछ रोबोट को डायरेक्ट पावर सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल रोबोट। फाइव पॉइंट है वायरिंग और कनेक्टर्स, वायरिंग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए वायर्स और केबल्स का यूज किया जाता है। जॉइंट्स और कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए वेरियस टाइप के कनेक्टर्स का यूज किया जाता है। सिक्स पॉइंट है कंट्रोल सिस्टम, रोबोट को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++, पाइथन या स्पेसिफिक रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स, रिमोट कंट्रोल डिवाइस, टच स्क्रीन इंटरफेस एंड प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस ETC। सेवन पॉइंट है सेंसर और विजन सिस्टम्स, विजुअल डेटा कलेक्ट करने के लिए कैमरा का यूज किया जाता है। वहीं डिस्टेंस और प्रॉक्सिमिटी सेंसिंग के लिए लिडार और अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज किया जाता है। मोशन सेंसिंग के लिए जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर्स का यूज किया जाता है। एट पॉइंट है मिसलिनियस कंपोनेंट्स, मोमेंट्स को स्मूथ और कंट्रोलिंग के लिए गियर्स और बियरिंग का यूज किया जाता है। विजुअल फीडबैक और यूजर इंटरेक्शन के लिए LEDs और डिस्प्लेज का यूज किया जाता है। हाई परफॉर्मेंस रोबोट्स में हीट को मैनेज करने के लिए कूलिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। आफ्टरऑल हर रोबोट का डिजाइन और फंक्शनलिटी अलग अलग होता है, इसलिए इन मटेरियल्स और कंपोनेंट्स का यूज डिजाइन के रिक्वायरमेंट और एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सके। थैंक यू।